गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे माय सरप्रीत पाल फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट जीपीएस एकेडमी असन, विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनिट फाइव यूनिट फाइव डील्स विद ग्रीन स्किल्स ग्रीनरी के बारे में है ना स्किल्स काबिलियत लियाकत अपनी ग्रीनरी को बचाने के लिए उसमें से ये एक सेशन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका मीनिंग है बढ़ोतरी है ना ग्रोथ किस चीज़ में ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ सोशली इकोनॉमिकली एज वेल एज इन्वायरमेंटली तो इसको डील किया गया है सेशन फर्स्ट के अंदर जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा नाउ वी विल बी डिस्कसिंग

ट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इज सॉरी इज द डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट डेट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट ओके इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जो क्या करता है हमारी जरूरतों को पूरा करता है इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट अब की जरूरतें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन और ये भी ध्यान रखता है ये ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के आने तक सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर लाइफ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग की तो ध्यान रखेगा ही रखेगा प्लस आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की भी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए उनके लिए नेचुरल रिसोर्सिस या हम कह सकते हैं रिनेबल नॉन रिनेबल रिसोर्सिस का भी को बचा कर रखा जाए प्रिजर्व करके कर कर रखा जाए कंजर्व करके कर कर रखा जाए नाउ बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कौन कौन से हैं पिलर्स माने स्तंभ तीन स्तंभ माने गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से हैं एक दो तो इन्होंने दे रखे हैं इन्वायरमेंट सोशल एंड डैश ये क्या आएगा बेटा इकोनॉमी क्या है इसका आंसर इकोनॉमी बेटा अब है आपका थर्ड क्वेश्चन द फोर डायमेंशंस डायमेंशंस का मतलब क्या होता है मेजर्स कर सकें उसके जो पार्ट्स हैं जैसे आप रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होते हैं लेंथ एंड ब्रेथ उसी तरह इसके चार डायमेंशंस हैं किसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये कौन कौन से हैं है ना तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है बेटा जिसके आंसर्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं वट आर दीज आंसर्स है ना इट्स गिवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड है ना क्या है आपके दैट इज सोशल इकोलॉजिकल नेचर रिलेटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल है ना सोशली द ह्यूमन बींग्स एंड उनके सोशल एक्टिविटीज़ वग़ैरह उनकी बेसिक नीड्स इकोलॉजिकल हो गया नेचर है ना जो हमारे रिसोर्स हैं इकोनॉमिकल हो गया पैसे की वाइज से जो ग्रोथ है है ना हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ देयर फिर पॉलिटिकल एंड द एक इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ डायमेंशन इन ऑर्डर टू मेजर द एस टी बेटा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स ऑफ हाउ मैनी एस टी जीज हाउ मैनी एस टी जीज आर इंक्लूडेड इन एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू थाउजेंड थर्टी बाय जनरल असेंबली तो इसमें बेटा कितने हैं सेवनटीन है, 17 है. तो हाउ मैनी की जगह आपने क्या लिख देना है सेवनटीन क्योंकि हमारे सेवनटीन एस हैं बेटा तो हमने उनके बारे में उन्होंने पूछा है कि कितने हैं आपके तो हमने हाउ मैनी की जगह क्या लिख देना सेवनटीन एस डी जीज आर इंक्लूडेड इन एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बाय जनरल असेंबली ये बेटा सतारह एजेंडा बनाए गए थे या हम कह सकते हैं गोल बनाए गए थे इन ऑर्डर टू डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना और इनके फर्दर टारगेट्स बनाए गए थे टारगेट्स हर गोल का एक टारगेट था और टोटल 169 टारगेट थे ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी एस आर इंक्लूडेड तो हमारे कितने हैं सेवनटीन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहा जा रहा है कि लिस्ट द सेवनटीन एस टीजीज इंक्लूडेड इन एजेंडा टू थाउजेंड थर्टी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपका बेटा दे रखा है पेज नंबर वन हंड्रेड एंड टू के अंदर लेट्स मूव टू वन हंड्रेड एंड टू पेज है ना उसमें जो आपके 17 गोल्स हैं वो ये दे रखे हैं बेटा है ना तो हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं तो ये सतारहाँ गोल हैं आपके टोटल ये सारे के सारे विच यू हैव टू राइट कि जैसे कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए जीरो हंगर किसी भूखमरी नहीं होनी चाहिए हर एक बंदा रात को पेट भरकर सोए गुड हेल्थ एंड वेलबिंग सबकी बेसिक नीड्स पूरी होए उनकी हेल्थ अच्छी हो है ना सबको एजुकेशन अच्छी मिले जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो पानी है सबको मिलना चाहिए लेकिन कैसा पानी साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या इमिट हो रही है ठीक है ना अब डिसेंट वर्क मीन्स हर एक बंदे को वर्क मिले एंड इकोनॉमी ग्रोथ हो पैसा सबके पास हो जिससे वो अपनी स्टैंडर्डाइज लाइफ जी सकें इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ पे हो उनका इं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नहीं होना चाहिए जो ग्रीनरी को ध्यान रखे है ना ग्रीन अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ना पैदा करे वो बल्कि बल्कि हमारे नेचर को बचा कर रखे ठीक है ना रिड्यूस इनिक्वालिटीज़ ना हो लोगों में सब बराबर हो ठीक है और सिटीज़ कैन कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ हैं एंड कम्युनिटीज शुड बी देयर सब मेनटेन्ड होनी चाहिए सिटीज़ ठीक है प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ग्रीनरी का प्लस ड्रेनेज का सेवेज का ओके रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन उस हिसाब से होना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है लेकिन प्रोडक्शन करते वक्त किसी चीज़ का किन चीज़ों की यूज़ में आ रही हैं है ना क्या वो इस तरह तो नहीं है जो प्रदूषित कर रही हैं एटमॉस्फेयर को ऐसा तो नहीं कुछ है ठीक है और सबको खाना मिलना चाहिए क्लाइमेट एक्शंस होने चाहिए क्लाइमेट में चेंज ना आए पानी के नीचे किस तरह किस तरह की है लैंड के ऊपर लाइफ किस तरह की है पीस है या नहीं है देश में जस्टिस सबको मिल रही है नहीं और सब इस गोल्स को अचीव करने के लिए सब योगदान दे डैट इज़ योर पार्टनर शिप बेटा तो ये क्या है हमारे सेवेंटीन गोल्स हैं जो उन्होंने पूछे हैं और इनके फर्दर वन सिक्सटी नाइन टारगेट हैं हर गोल के टारगेट्स हैं फर्दर डिवाइड किए गए हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मेज़र बिंग टेकन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एस इन इंडिया इंडिया के अंदर कौन कौन से क्या इम्प्लीमेंट या क्या मेजर्स ली गई हैं वो इसी पेज पर दे रखी हैं बेटा तो आपने पहले क्वेश्चन में से ही यहाँ से लिख लेना है यहां से टू इंप्लीमेंट एसडीज इन इंडिया ऑफ इंडिया है ना अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है प्रेमियर थिंक टैंक एन आई टी आई आयोग स्टार्ट किया है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस चीज की सुपरवाइज करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए किन को सुपरवाइज जो एक्शन स्कीम इन्होंने चालू की है कि क्या एस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं स्टेट लेवल पे भी डायरेक्ट किया गया है कि इन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए लागू करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वेदर दे आर वर्किंग और और नॉट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी लागू की जा रही हैं किस चीज़ की एस टी जी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब आपका थर्ड आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी है आपका डिपार्टमेंट जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है डेवलप करने के लिए नेशनल इंडिकेटर्स को भी इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रोग्रेस चेक करते हैं कि एस के जो रूल्स गोल्स बनाए हैं टारगेट बनाए हैं हर गोल का एक टारगेट है क्या वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं फोर्थ पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे तो देखो बनाई गई हैं स्कीम्स लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी हक दिया गया है या डायरेक्ट किया गया है कि वो अपनी बॉडीज़ अरेक्ट करें जो वो ध्यान रखें विजनिंग करें है ना प्लानिंग करें बजट बनाए डेवलप करें ये सब स्कीमें बना के उसको इम्प्लीमेंट करें और चेक करें कि सिस्टम में उनके एस को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं डैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ़ दिस सेशन थैंक्स बच्चे